फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नूरालम एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स रेसिस्टेंट के बताऊंगा फ्रेंड्स वो कितने ओम्स का है रेसिस्टेंस आपका। फ्रेंड्स आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि डायवोल्ट रहता है, जैसे डायवोल्ट कैपेसिटर हो गया और कुछ अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिसके ऊपर लिखा रहता है कि कितने ओम्स का है, मतलब कि उस पर नंबर लिखा रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर रेसिस्टेंस पे फ्रेंड्स दोस्तों सिर्फ कलर रहते हैं, कुछ 5 डिजिट कलर रहेंगे, कभी 5 रहते हैं, कभी 3, कभी 4 रहते हैं। तो यहाँ पर मैं 4th कलर में बताऊँगा 4 डिजिट कलर के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हमेशा नोटिस किया होगा कि उस पर कोई ओम्स लिखा नहीं रहता। तो दोस्तों मैं वीडियो में बताऊंगा कि आप उस कलर कोड के जरिए आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कितने ओम्स का है। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो बने रहना, मेरा नाम नूर आलम, आप देख रहे हैं नूर आलम एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं एक बार उसे बना के कैसे उसकी पूरी प्रोसेसिंग करते हैं और कैसे उसके हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करके ऑल का ऑप्शन। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक रेसिस्टेंस दिख रहा होगा इस तरह का। तो फ्रेंड्स इस रेसिस्टेंस को भी मैं कलर कोड फाइंड आउट करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ओम्स के ओम्स का इसका नंबर कितने ओम्स का नहीं लिखा है, फिर मैं बताऊँगा। तो कैसे बताऊँगा इसके लिए एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स, मैं आपको फॉर्मूला भी दिखा दूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे मैं इसे, तो फ्रेंड्स मैंने इसे साइड में कर दिया है, तो फिर मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिखा देता हूँ डिस्क पे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्क पे आ चुका है एक फॉर्मूला आपको। फ्रेंड्स इस फॉर्मूले में हमें पूरा नॉलेज दिया जाएगा, तो मैं इस फॉर्मूला के बारे में पूरी आपको जानकारी बता देता हूँ। फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पूरा फ्रेंड्स इस फॉर्मूले से हम पूरा करने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ तरह इंटरफेस होगा, पहला वाला ब्लैक है। तो फ्रेंड्स इस ब्लैक पे ना जीरो वैल्यू इसका जीरो है, मल्टीपल है इंटू जीरो है, 10 जीरो है, टॉलरेंस है फ्रेंड्स का +20% है। तो यहाँ पर आपको इस तरह फाइंड आउट करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस के कुछ कलर्स के नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर जो कि ब्राउन का बी है और ब्लैक का बी है, और देखते हैं यहाँ पे रेड का जो है आर है और गोल्डन का जी है। तो फ्रेंड्स इसको अभी हम इसमें से जो फॉर्मूला से कैलकुलेट हम करेंगे, तो मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स लोग यहाँ पे देख सकते हैं ब्राउन जो ब्लैक है रेजिस्टेंस का कलर ब्राउन ब्लैक फ्रेंड्स वो डिजिट जाएगा, मतलब कि ये जो वैल्यू है दिख रहा है आपको इसमें फॉर्मूला में वो हम लोग उसमें कैलकुलेट करेंगे। फ्रेंड्स जो रेड है वो मल्टीप्लाई में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स ये गोल्डन जो है और टॉलरेंस में जाएगा। तो एक बार आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ब्राउन ब्लैक जगह वैल्यू में और जो ये रेड है वो मल्टीप्लायर में और टॉलरेंस में जाएगा ये गोल्डन, ठीक है। तो कैसे करेंगे मैं आपको कुछ इंटरफेस दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो फ्रेंड्स लोग आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 10 × 10 स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते 10 में जो 1 आया फ्रेंड्स ये ब्राउन का है। अगर आप यहाँ फॉर्मूला पर देखें तो कलर का जो ब्राउन का वैल्यू आ रहा है 1 है और 0 है फ्रेंड्स इसका ब्लैक है, ब्लैक का वैल्यू आप देख सकते हैं ब्लैक का वैल्यू 0, ठीक है। ये 2 डिजिट रहेंगे, फिर इनटू मल्टीप्लाई पूछा है तो इनटू कर दीजिए। तो रेड का क्या है इनटू में देख सकते हैं रेड का है 10 स्क्वायर फ्रेंड्स 10 स्क्वायर, तो अभी 10 स्क्वायर आ चुका है। तो अभी हम इसको कैसे करेंगे, 10 स्क्वायर होने के बाद आप देख सकते हो वही सेम टू सेम 10 × 10 नीचे भी करना है आपको। फ्रेंड्स जो 10 स्क्वायर का करेंगे तो 10 × 10 = 100, 10 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स 100, तो 100 डाल दिया। फ्रेंड्स आपको इंटू किया मैंने सब, तो इंटू साइन आ रहा है, तो इंटू करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे को 1000 जो है मिल चुके हैं फ्रेंड्स, 1000 मिल चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 1000 का मतलब होता है 1K। फ्रेंड्स मुझे ये पता चला कि ये जो 100 मतलब ये जो रेसिस्टेंट है वो मुझे 1K का ये रेसिस्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये 1K का रेसिस्टेंस है। और इसी तरह फ्रेंड्स आपको कोई दूसरा रेसिस्टेंट का वैल्यू पता करना तो आप उससे भी पता कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरा रेसिस्टेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखते हैं एक रेसिस्टेंस है फ्रेंड्स, इस रेसिस्टेंस का कलर मैं आपको दिखा देता हूँ और इसका रेसिस्टेंस का कलर कैसा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका कलर का ये कुछ इस तरह है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं इसमें 2 रेड है और 1 ब्राउन है, फिर 1 गोल्ड है, ठीक है। अब इसमें से मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। रेड रेड का फ्रेंड्स 2 आया है और दिखा देता हूँ यहाँ पे जो ब्राउन का आया और मल्टीप्लर में जाएगा, ठीक है। मल्टीपल में उसका 10A आएगा, ठीक है। और गोल्ड का टॉलरेंस दिखा देता हूँ मैं, गोल्ड का 5% है, ठीक है। मैं आपको इनको यहाँ पे करके दिखा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नंबर आ गया है। फ्रेंड्स ये जो 2 है ये रेड का है जो कि 2 रेड इसे 2 डाला है, फिर इन 2 मल्टीप्लाई दिया यहाँ पे। ब्राउन का फ्रेंड्स जो देख सकते मल्टीप्लाई में है 10:1 है, ठीक है। 10:1 इसे अगर यहाँ पे फ्रेंड्स 1 की जगह 2 होता तो स्क्वायर हो जाता, पर अभी वहाँ पे 1 है इसलिए मैं यहाँ पे 22 × 10 ही डाल दिया हूँ, क्योंकि उधर जाएगा नहीं स्क्वायर में, तो यहाँ पे 1 10 ही रहेगा। तो फ्रेंड्स को इंटू किया तो मेरे को 220 मिला है। इसका मतलब ये फ्रेंड्स मेरा जो ये रेजिस्टेंस जो 220 ओम्स का है।
तो फ्रेंड्स आई होप मेरे को मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको मेरा वीडियो। फिर मैं बहुत जल्दी इसका पार्ट टू भी बनाऊंगा, जिसमें आप थ्री बैंड फोर बैंड मैं बता दिया हूँ, फाइव बैंड का भी रेसिस्टेंट कलर दिखा सकता हूँ उसमें।